हाय गाइस, मैं हूं भावेश और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां हूं और मेरे पीछे क्या है। जी हां, ये है बीसापुर किला जो कि लोहगढ़ के एकदम पास है और मैं आया हूं आज आपको इस किले के बारे में टोटल जानकारी देने। आप यहां कैसे आ सकते हो और क्या कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा और देखिए मेरे साथ बीसापुर किला। मॉनसून में जो ये नज़ारा यहाँ का होता है ना, वो काफ़ी देखने लायक होता है क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल होती है और जो वाटरफॉल होती है ना वो सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है, तो इसका मज़ा इसका आनंद अभी तो हम नहीं ले सकते, पर वादा करता हूँ मॉनसून में आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और आपको इस वाटरफॉल के बारे में बताऊँगा। जो तो फाइनली हमें कुछ टूरिस्ट लोग दिखे जो हमारे साथ साथ ऊपर चढ़ रहे थे, तो चलिए हम भी चलते हैं। और मेरे पीछे चैतन्य भी है, चैतन्य अपना शूट कर रहा था और चैतन्य के पूरे बाल में अफरा तफरी मच चुकी है। जी हाँ, अफरा तफरी आप देख ही रहे हो, तो चलिए आप देखते हैं। तो चैतन्य बहुत ट्राई कर रहा है और टेक पे टेक ले रहा है, तो चलिए अपना शुरू करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये एक पानी की टंकी है, कहने का मतलब एक स्टोरेज करने का जरिया होता है जो 12 महीने के लिए पानी इस्तेमाल हो सके। जी हाँ, ऐसा 1, 2, 3, 4 बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरेज बनाए रहते हैं, तो आप देख लो क्योंकि अभी मानसून आके गया है। ये पानी, हाँ पानी अभी थोड़ा स्वच्छ नहीं है पर ये नॉर्मली स्वच्छ रहता है। तो मैं अभी आपको पौना सेट का जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ। हम उस छोर पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम व्यूज देखेंगे और ये जो व्यू है ना ये काफ़ी क्लासी व्यू है, कहने का मतलब पूरा पौना डैम का नज़ारा देखने को मिल रहा है और जो हवा जो है ना वो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, अटकेलिया कर रही है। अटकेलिया का मतलब खेल रही है हमारे साथ। जैसे ही मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ, तब हवा तेज हो जाती है और जैसे मैं चुप हो जाता हूँ तो हवा भी साइलेंट हो जाती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है। ये जो सामने है वो है लोहगढ़। जी हाँ, ये है लोहगढ़ किला जो हमें अभी बीसापुर से दिख रहा है और काफी फेमस है ये किला क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गोला बारूद जो कि फौज के लिए होते हैं जो यहाँ पे स्टोर करके रखा करते थे, जी हाँ उनका सारा जखीरा यहाँ पे होता था। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है लोहगढ़ फोर्ट के लिए और लोहगढ़ फोर्ट होते हुए आगे खूबसूरत पौना डैम के लिए। इसके अलावा यहाँ से मुझे नहीं पता आपको तिकोना दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, ये देखिए ये तिकोना किला जो कि इस एपिसोड का पहला भाग था। अगर आपने मेरा पहला भाग नहीं देखा है तिकोना का तो वो देख लीजिए और दूसरा भाग हमने बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ बहुत ही खूबसूरत कोरायगढ़ का किला किया था जो कि दिसंबर में मानसून में हमने किया था। जी हाँ, दिसंबर में बारिश के समय हमने ये किया था और काफ़ी बड़ा और अच्छा किला था, आप वो भी देखिएगा ज़रूर। और ये एपिसोड 3 जिसमें हम बीसापुर को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दूसरे छोर का आपको व्यू दिखाऊंगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये दूसरा छोर है और यहाँ से मुझे लोनावला सिटी जो है, लोनावला हिल स्टेशन, वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं। जी हाँ, ये साइड में आ रहा है लोनावला हिल स्टेशन और हिल स्टेशन के ही यहाँ से चढ़ते चढ़ते आगे जाएंगे आप तो आपको टाइगर्स पॉइंट, एमबी वैली जैसे और बहुत सारी टूरिस्ट
वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड 3 आज यही खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 4 में और किसी नए प्लेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।